है, इसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जो है मेंस का एग्जाम जो लिया गया था, और उसके बाद इंटरव्यू के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 6/9/2023 के जारी कर दिए गए हैं। देखते हैं महत्वपूर्ण रूप से कितने अंक प्राप्त किए हैं, टॉप 10 लिस्ट के इसमें देखेंगे कि कितने कितने अंक अर्जित किए हैं, कौन कौन से हैं। यह परीक्षा 19 सेवाओं हेतु कुल 210 पदों पर विज्ञापित किया गया था 2022 में, और सॉरी 23 में, 22 का ही है। 1 साल यह पुराना होता है जो भी नया तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि 2000 जो है अभी 24 का जो एग्ज़ाम होने वाला है तो 23 का होगा, यानी कि आपका उम्र 22 साल करेक्ट पूर्ण होने पर ही इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। CGPSC की एग्ज़ाम में अगर आपको बैठना है तो निश्चित रूप से ग्रेजुएशन 20 साल में पूरा कर लेते हैं, 2 साल कोचिंग वगैरह और तैयारी करेंगे, निश्चित रूप से आपको 2 साल मिलता है, या 1 साल भी अगर 21 में अगर ग्रेजुएशन पूर्ण करते हैं तो। और आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इस एग्ज़ाम में अगर आपको बैठना है तो 22 साल करेक्ट आपको उम्र पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम आपको बताएंगे कि राज्यसभा प्रायोगिक परीक्षा 2022 का परिणाम जो था वह लोक सेवा आयोग द्वारा कुल 3,095 अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा है तो प्रारंभिक आधार पर चयनांकन किया जाता है, जिसमें कि आप जानते होंगे कि इसमें 15 गुना लिया जाता है, और निश्चित रूप से इसका फिर मेंस होता है। मेंस के बाद 3 गुना को, यानी कि यहाँ पर देखिए 24/8/2023 से 6 तक चला था साक्षात्कार, 625 अभ्यर्थियों को, 621 अभ्यर्थियों का साक्षात हुआ, 2 अनर्हा पाए गए और 2 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इस प्रकार से अब इसकी जो है टॉपर लिस्ट जारी कर दी गई है, चयन सूची सिलेक्टेड लिस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि मेरिट इसका जारी किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से जानकारी दिया गया है कि जिन अभ्यर्थियों के राज्य मुख्य सेवा 33 पद प्राप्त हुए हैं कि उन्होंने अभ्यर्थियों को अनारक्षित पदों पर आवंटित चयन किया जाएगा, और आरक्षित परिस्थिति ऐसे अभ्यर्थियों जिन राज्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में 23% अथवा अधिक अंक प्राप्त किया उनको आवंटन चयन प्रक्रिया शामिल किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखने वाले चीज़ हैं। अब हम बात करेंगे कि इनका टॉपर लिस्ट है, टॉप 10 में आए हुए हैं श्रीका मित्तल, इनका जन्मतिथि 96 है और अनरिजर्व कैटेगरी से प्रथम पेपर में 129, दूसरे पेपर में 130, तीसरे पेपर में 107, चौथे पेपर में 171, पाँचवा पेपर जो है 132 और छठे पेपर 115 और सातवें में 123 नंबर इनको मिला हुआ है। कुल टोटल 95 नंबर इनके इंटरव्यू में मिला है। इस बार 100 नंबर का इंटरव्यू इस बार से होने वाला है, ठीक है। दूसरा रैंक है शुभम देव, 94 जन्मतिथि है, OBC ग्रेड से हैं। पहला पेपर में 155, दूसरा पेपर में 132, तीसरा में 104, चौथा में 145, पाँचवा में 113, छठवां में 138 और सातवां में 99 अंक प्राप्त किए हैं। इस प्रकार से 86 अंक इनको जो है इंटरव्यू में मिला है, कुल टोटल 974 प्राप्त हुए हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि श्रेयांश पैटेरिया का जो है 98 जन्मतिथि है, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, ठीक है। निश्चित रूप से इनका पहला पेपर 114, दूसरा में 148, तीसरा में 108, 132, 128, 131, छठे में 102, सातवें में इंटरव्यू में 95 अंक प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है शुभम गुप्ता, 99 जन्मतिथि है, सॉरी शुभांगी गुप्ता फीमेल हैं, 99 जन्मतिथि है, रिजर्व कैटेगरी से आती हैं, 142 है प्रथम पेपर, द्वितीय में है 141, तृतीय में 94, 139, 22, 128, 108 और इंटरव्यू में 82 अंक प्राप्त किए हैं शुभांगी गुप्ता। फिर आता है पूजा जो है पिंछा, 97 जन्मतिथि फीमेल है, प्रथम पेपर में 149, द्वितीय में 139, 103 तृतीय में, चौथा में 146, पाँचवा में 143 और 123 छठे में और सातवें में 99 अंक प्राप्त किए हैं। इंटरव्यू में इनका है 53 नंबर, बहुत ही कम अंक है, अन्यथा सबसे अधिक अंक हाईएस्ट जो है रिटर्न में 904 है, जो कि हाईएस्ट सेकेंड रैंक इनको मिला है और इनको लगभग 53 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कि काफ़ी कम है, किसी किसी भी 110 115 भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे संजय कुमार दीवार का, 97 जन्मतिथि, OBC, 110 112 127 इंटरव्यू में इनका 80 अंक प्राप्त हुआ है। इसी के साथ ही ऋचा बंसल हैं, 93 जन्मतिथि है, ममता तिवारी 84 है जन्मतिथि है, देवाशीष कुरे 98 जन्मतिथि है, ऐसी कैटेगरी से आते हैं, 99, 145, 108, 141, 117, 126, 94, 832 हो गया, 87 नंबर इंटरव्यू में मिला हुआ है, ठीक है। सुमन जायसवाल का जो है 99 जन्मतिथि है,
ओबीसी से 105, 128, 105, 128, इस प्रकार से 17 नंबर इनके इंटरव्यू में मिला हुआ है। नेक्स्ट है आपका देवाशीष कुरे, भावना साहू, लोकेश जैका, रश्मि बोरा, फिर पंकज पटेल, भूपेंद्र दास वैष्णव, सुमन जायसवाल, रोहित दिवंकर, आंचल गिरी, विमल कुमार साहू 91 हैं। तो निश्चित रूप से स्वप्निल सिंह, रोहित गुप्ता 2000 जन्मते थे, ओबीसी से 2000 जन्मते थे, समझ सकते हैं आप। पहला अटैम्प्ट में इन्होंने अंक अर्जित किया है 122, 121, 98, 127, 114, 113, 95, 92 नंबर इनको मिला हुआ है। इस प्रकार से आने वाली जानकारी और भी शेयर करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।